सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फंडा में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने द्वारा लिखी हुई फैन फिक्शन हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक माय गाइस। एंड अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग और वांगजी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब आगे विंग के क्वेश्चन जो वांगजी से पूछे गए हैं, वांगजी उनका जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। वांगजी कैसे बोले कि सचमुच में उसे अपने भाई पर भरोसा नहीं है, कि सचमुच में कभी कभी उसे लगता है कि उसका भाई उसे प्यार नहीं करता। बचपन में इतना बुली किया है शिचैन ने वांगजी को कि जितना शायद कोई सगा भाई तो अपने भाई के साथ नहीं कर सकता। कितनी बार उसके उसे डरा के अपने सर्वेंट के साथ उसे पीटता था, कितनी बार उसे बंद कमरे में बंद कर, मतलब काले डार्क रूम में बंद कर देता था, उसे कभी पानी में धक्का दे देता था। कितनी बार उसके ऊपर से मतलब इतना छोटे छोटे से कीड़े जिनसे छोटा बच्चा डरता है उस टाइप के कीड़े छोड़ दे करता था, हर तरीके से बुली करता था। उन बातों को याद करके वीन खुद की बातों को याद करके वांगजी अपनी सोच में गुम था। तभी वीन दोबारा बोलता है, वांगजी तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे ब्रदर एक अच्छे किंग नहीं बन सकते हैं। अगर वो एक अच्छे किंग होते तो इतने सारे ओमेगास की लाइफ के साथ नहीं खेलने देते। तुम्हें क्या लगता है वो लोग जिन लोगों के साथ ये सब करा था उस कमांडर ने, उन लोगों की फैमिली को क्या कैसा फील होता होगा? महसूस करो वांगजी, उन लोगों के पेन को महसूस करो। तुम्हें मेरी बातों को समझो। तुम्हें लगता है कि मैं शायद तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़का रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बस एक बात साफ बताना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई शायद तुम्हारे नज़रों में अच्छा होगा, लेकिन इस प्रजा के लिए अच्छा नहीं है। तुम और मैं इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो मैं तुम्हें शायद एक अच्छे हस्बैंड की तरह सपोर्ट करूँगा। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं इस कॉम्पिटिशन में अगर तुम नहीं पार्ट लेना चाहोगे तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्ट लो। अब विंग की बात सुन के वांगजी बड़ी बड़ी नज़रों से विंग को देखने लगते हैं। विंग की बातें याद है वांगजी को जो आज उसने ग्रैनी वैन के साथ की थी, कि वो अभी भी नाराज़ हैं इन लोगों से, विंग से, मतलब विंग सॉरी वांगजी से, अपनी फैमिली से। तो वांगजी के मन में एक डाउट आता है और वो डायरेक्ट विंग से पूछ लेते हैं, क्या तुम बदला लेने के लिए मेरी फैमिली में रुक रहे हो? अब अचानक से विंग की बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हैं और अपने चेहरे पे बड़ी गंदी सी स्माइल जिसमें पेन भी है, जो विंग को मतलब वांगजी को महसूस हुआ, वो वांगजी को महसूस हुआ कि क्या वो गलत बोल गया, क्योंकि वो पेनफुल स्माइल तो विंग के चेहरे पे नहीं देखना चाहता था। अभी अपनी पेनफुल स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई को इस क्राउन प्रिंस की रेस से बाहर निकालना चाहता हूँ? तुम्हें लगता है मैं बदला लेना चाहता हूँ और मैं उस प्रजा के साथ गलत मतलब सही नहीं होने दूंगा? शायद सचमुच में तुम और मैं एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो बस तुम्हारा साथ देना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा था। और ये बात बोलने के बाद भी दुखे मन से वहाँ से जाने लगते हैं। अचानक से विंग को ऐसे जाता हुआ देख के वांगजी के दिल में बहुत पेन होता है। वो विंग को ऐसे जाता हुआ नहीं देख सकता, नहीं जान पा रहा कि विंग को ऐसे अपसेट देख के उसे क्यों इतना दुख हो रहा है। लेकिन वो एकदम से आगे बढ़ के विंग का हाथ पकड़ लेता है। अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वांगजी अब अपनी एक होता है ना दुख वाली नज़रों से उसे देख रहा है। अब विंग उनकी वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैंने तुम्हारी और ग्रैनी वैन की बातें सुनी और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या कोई और कारण तो नहीं है? अभी वांगजी की क्वेश्चन सवाल को समझ नहीं पा रहा है और इसलिए वो थोड़ा शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है। अब वांगजी अपनी बात क्लियर करते हुए बोलता है, विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाँ मैं भी गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मैंने तुमसे शादी तो करी लेकिन उसे निभाने के बारे में नहीं सोचा। मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें उस जगह उस दिन अकेला छोड़ दिया। मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मेरे फादर की इंटेंशन को मैं नहीं जानता था और तुम्हें इतने बड़े मैश में डाल दिया। मैं भी तुम्हारी इस मिजरेबल लाइफ के पीछे एक जो गुनहगार हैं उनमें से एक हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? क्या तुम मुझे सचमुच में अपने दिल से माफ़ी कर पाओगे? तभी मैं इस रेस के बारे में सोचूंगा। मैं ये रेस कोई कंपटीशन जीतने के लिए नहीं चाहता या किंग बनने के लिए नहीं करना चाहता। मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने मेट के लिए करना चाहता हूँ, तुम्हारी माफ़ी के लिए करना चाहता हूँ। अगर मैं किंग बन गया तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे?
अवांग जी, जो शायद बहुत मासूम है, भोला है, कभी फीलिंग्स को जानता ही नहीं। जब हम किसी के साथ रहते हैं तभी तो हम दूसरे के, एक होता है ह्यूमन नेचर टेंडेंसी को समझ सकते हैं। लेकिन जो इंसान अकेला रहा हो, कभी किसी ह्यूमन टच में ना आया हो, किसी के साथ ज़्यादा उसकी बातें ना होती हो, दूसरा इंसान क्या सोच सकता है, कैसे उस मतलब क्या कर सकता है, उसका उसे आइडिया ही नहीं। मनाना नहीं आता लोगों को, कैसे कोई रूठ है तो उसे मनाते हैं। वो कहाँ आएगा हमारे वांग जी को? वांग जी सोच रहे हैं कि वो कुछ शायद किंग बन जाएगा तो विंग उससे मान जाए। वो बस चाहता है कि विंग उससे मान जाए, विंग उससे नाराज ना रहे, विंग उससे गुस्सा ना हो, विंग उस जो जो मतलब उसने विंग के साथ गलत किया उस चीज़ के लिए विंग उसे माफ़ कर दे। वहीं विंग वांजिंग की इस बात को सुन के मन में एक तरफ मुस्कुरा रहा है और एक तरफ सैड हो रहा है। मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मासूम सा बच्चा सा इंसान है जो सोच रहा है कि जैसे स्कूल में अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मम्मा आप मुझे ज़्यादा प्यार करोगे, या अगर मैं फर्स्ट आऊँगा मुझे साइकिल ला के दोगे, वैसी वाला हरकतें कर रहा है। लेकिन असलियत में ये इंसान सिर्फ विंग से माफ़ी मांग चाहता है और इसके लिए ही वो बेचारा कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसे सोच के विंग को बहुत ज़्यादा वांगजी पे प्यार आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका अल्फा कितना अकेला था, कितना लोनली था, कितना ज़्यादा दिल से मासूम है। और उसे पता नहीं क्यों जो थोड़ी देर पहले विंग पे को वांगजी पे बहुत गुस्सा आया था, उसका वो गुस्सा कहीं गुम हो जाता है और चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। और वो स्माइल करता बोलता है तुम माफ़ी के लिए किंग बनना चाहते हो तो ऐसा मत करो, मैंने कोई तुम्हें जी नहीं एक तरीके से माफ़ करने के मारे किंग बनाना नहीं चाहता। तुम किंग बनो क्योंकि तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम किंग बनोगे जब तुम खुद ये चीज़ लोगों के सामने साबित करोगे। और रही बात मेरी माफ़ी की तो मैं तुम्हें कब माफ़ कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं तुम्हें एक बात आज साफ साफ बता देता हूँ, मेरी मिजरेबल लाइफ के लिए जो लोग गुनहगार हैं उनमें से एक तुम नहीं हो। हाँ मैं तुम्हें गुनहगार नहीं मानता हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपनी मतलब एक तरह गुस्से या नफरत में अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जेन्युइनली रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। वांग जी मेरा कोई अपना नहीं था, मेरे पेरेंट्स बहुत छोटा था मैं जब इस दुनिया से चले गए थे। मेरे ध्यान मेरे अंकल जेंग फैमिया और मेरी सीजे रखा करती थी। जंजा मेरा छोटा भाई था लेकिन हमेशा बड़ों की तरह मुझे केयर करता था। मैं एक हैप्पी लाइफ में था और बहुत खुश था। लेकिन जब तुम्हारे रिश्ता मुझ तक आया मैं काफ़ी कुछ गवा चुका था। मैं अपनी फैमिली को गवा चुका हूँ। अकेला उस जगह रहा, उस एक साल के अकेलेपन में मैं इतना डर गया अकेले होने से कि शायद अब मैं कभी दोबारा अकेला नहीं होना चाहता। हाँ मेरे पास वैन क्लैन के लोग थे, यही कह दीजिए वैन ग्रैनी वैनी और वैनकिंग थे, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों मेरा मन किसी अपने को ढूंढ रहा था और शायद उसी अपने को मैंने तुम्हारे अंदर महसूस किया। वांग जी मेरे पास एक रिश्ता है जिसे मैं दिल से निभाना चाहता हूँ, तुम्हारा मेट का रिश्ता, तुम्हारा और मेरा ये शादी का रिश्ता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं इसी कारण तुम्हारे साथ देना चाहता हूँ। मैं ना ही तुमसे नाराज़ हूँ और ना ही कोई तुमसे गुस्से मतलब एक तरीके से सजा देना चाहता हूँ, बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, तुम्हें और अपने आप को एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि ये मौका मतलब जैसे मैं अपने रिश्ते को मौका दे रहा हूँ तुम भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो तो तुम मेरे कहने पे इस कंपटीशन में पार्ट लोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लोगों को दिखाओ कि तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले लोग नहीं हो। शादी वाली रात शायद तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे अंकल ने मुझे एक ऐसी बात कही थी जो मुझे अब तक याद है, ये कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, जो मैं गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा, वो मेरे हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, एक सन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और इस पूरे के पूरे मतलब एक तरीके से क्लैन के सेकंड प्रिंस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे ना? विंग की तरफ विंग वांगी की तरफ देखते हुए बोलता है। इन कुछ शब्दों में विंग ने अपनी पूरी फीलिंग्स वांगजी के सामने रख दी। जब वांगजी को पता चला कि विंग ऑफन था, वो गरीब उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसे दुख हुआ। जब उसे सुना कि विंग इस रिश्ते को टाइम देना चाहता है, इस रिश्ते को निभाना चाहता है, वांगजी के साथ रहना चाहता है, तो उसके मन में इतनी खुशी हुई। विंग तो सिर्फ एक साल अकेले रहा,
लोनलीनेस में रहा और उसकी ये हालत होगी। वांगी तो कितने साल से है, तो उसकी लाइफ में कोई उसके साथ रहना चाहता है, उसके अपना मतलब बनाना चाहता है, तो वो कैसे नहीं खुश होता था। वो तो बहुत खुश हो और डिसाइड करता है कि वो भी विंग की तरह अपने रिश्ते को मौका देगा। वो विंग से बोलता है, ठीक है अब मैं ऐसा करूँगा, पर विंग क्या तुम मुझे बस वांगी, अगर तुमने एक बार और बोला ना मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, नहीं कर दूँगा। देखो वांगी, तुम्हारा मेरा रिश्ता बार बार सॉरी थैंक यू वाला नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ शुरुआत बहुत अलग हुई है, शुरुआत शायद जैसा मैं सोच रहा था वैसे नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और हाँ लंजा, तुम्हें भी मुझसे वादा करना पड़ेगा कि अब तुम मुझसे बिना कोई बात कहे, बिना मेरी बात सुने कोई डिसीजन नहीं लोगे। वादा करोगे? इस बात पे वांग जी तुरंत कर देते हैं, जिसे विंग को बहुत खुशी होती है। ये दोनों अपने अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद से कि इनका रिश्ता आगे सुधरेगा। जहाँ ये दो अजनबी जो शायद कुछ देर पहले कुछ घंटे पहले मिले हैं, हाँ मुश्किल से 24 घंटे तो हुए हैं इन दोनों को एक दूसरे से मिले हुए, पर एक तरफ एक ऐसा रिश्ता है जहाँ इतना टाइम लगाने के बाद भी दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ खालीपन है। वहीं इस रिश्ते में अपनापन और सब है। अब धीरे धीरे ये रिश्ता कहाँ जाएगा, किस मोड़ पे आएगा, वो तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन अभी तो इन दोनों के मन में एक साफ दिल, एक वो कितना अच्छा साफ मन है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के रिश्ते के प्रति। वहीं एक तरफ एक इंसान के मन में तो कोई साफ दिल, मैं कहते ना अच्छा या साफ दिल नहीं, बल्कि सिर्फ लालच ही भरा पड़ा है। अंदर इतना मैल है कि कोई देख ले तो घिनी करने लगे उस इंसान से, और ये इंसान कोई नहीं लांश चैन है जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ और अपने इस समय घुटनों पर बैठने वाली पनिशमेंट का जिम्मेदार जंचा को मान रहा है। उसे लग रहा है अगर जंचा कल ये हरकत ना करता, वो रूम बाहर ना जाता, तो शायद वहाँ विंग नहीं मिलता और उन लोगों के साथ ये सब नहीं होता। उसे तो ये लग रहा है कि जो भी उसके साथ हो रहा उसके पीछे जंचा है। कितनी चीप होते हैं ना वो लोग, कितनी गंदी मेंटेलिटी होती है जब अपनी गलती ना देख के दूसरों में कीड़े निकालने लगो। गलत तुम हो तो पर एक्सेप्ट करने में भी तुम्हें जोर पड़े, ऐसा ही कुछ हाल है हमारे लांशी चैन का। उन्हें तो यही लग रहा है कि वो तो हमेशा सही होते हैं, अभी भी सही है। ये तो जंचा है जो पहले भी गलत था और अभी भी गलत है। पूरा एक दिन ऐसे ही बीत जाता है, जाने से एक दिन में बार बार जंचा विंग से मिलता है, विंग जंचा से बात करता है, विंग जंचा को बताता है कि 1 साल से वो कैसे था, कहाँ रहा है। विंग जंचा विंग को कुछ नहीं बताता है, विंग ने अपना दिल खोल के सब जो कुछ उसके साथ हुआ अपने भाई को हर चीज़ बताई, क्योंकि वो जानता था कि जंचा की कोई गलती नहीं है। जंचा बेचारा क्या करता, वो भी तो मैरिड था, वो थोड़ी उसके लिए वहाँ वेट करते हैं अगर, और जब तक जंचा को पता चला होगा यहाँ तो इस तरह की अफवाहें उड़ गई थी जो कि उसे पता चला, इसलिए वो जंचा को गलत नहीं मानता, बल्कि वो खुश है कि इस बड़े से महल में उसका भाई है जिसके साथ वो बात कर सकता है, अपने मन की बात शेयर कर सकता है। बाकी वो यहाँ किसी पे भरोसा नहीं करता। वो जंचा से बहुत खुश होकर मिलता है। वहीं उसे मिलने मी हुसैन भी आते हैं। मी हुसैन उसका एक दोस्त था जो पहले कई बार वांग विंग से लेटर्स के थ्रू बात करता था। आज मी हुसैन जो विंग से मिलने आता है तो विंग को बहुत खुशी होती है। विंग, मी हुसैन, जंचा आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं। जहाँ विंग को महसूस होता है कि जब मी हुसैन और जंचा अनिलाश चैन की बात करते हैं तो इन दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जब जंचा के फेस पे एक डर दिखता है, वहीं मी हुसैन के फेस पे एक दर्द दिखता है। इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को विंग जानना चाहते हैं, लेकिन अभी पहला ही दिन है। अब वो आते ही अरे तुम लोगों की लैंडेड लाइफ में क्या हो रहा है, अरे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वो इस टाइप से नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ये दोनों भी थोड़ा टाइम लें एक दूसरे के साथ, ये आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर जरूर करेंगे, लेकिन अभी एकदम से तो नहीं हो सकता। वहीं आज पूरा दिन वांग जी अपने जिनशी से अपना जो जो सामान उसे ज़रूरत है, जो उसके क्लोज है, जिस चीज़ की उसे आदत है, उन चीज़ों को महल में लाने के काम में लगा रहता है। वो कुछ कार्ड्स के साथ, कुछ सर्वेंट्स के साथ यही काम करता रहता है, तो बेचारा आज पूरा दिन उस काम में बिजी होता है। वहीं किंग इस तरह वांग जी को जिनशी कितने तरह इस रूम को सजाते हुए देख के मन में बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ वो जानते हैं
मतलब वांगजी के लिए ये सब कुछ बहुत अलग है। वो 12 साल का था जब इन सब चीज़ों को छोड़ के वहाँ एक शांति भरी लाइफ में जी रहा था। आप यहाँ इन हमेशा गार्ड्स के साथ रहना, एक राजाओं वाली तरह हमेशा खुद को प्रेजेंटेबल बना के रखना, हम गार्ड और हर चीज़ के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसे पता है कि उनका वांगजी ये सब कर लेगा। वही वांगजी को इस तरीके से विंग के साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हुए एक एक्साइटमेंट देख पा रही हैं ग्रैनी वैन भी बहुत खुश है। ग्रैनी वैन और ये सब लोग अभी वहीं रह रहे हैं, यानी उसी पुराने कॉटेज में। लेकिन हाँ, वही वांगजी और विंग की जो कुछ सर्वेंट्स हैं उनमें सिर्फ यही कुछ लोग हैं, यानी ग्रैनी वैन, वैन किंग, वैनिंग और हाँ हमारा एक और लैंड क्लैन का सर्वेंट, इसका नाम लैंड जिंगी है। ये सारे लोग हैं लैंड जिंगी और इन लोगों की अभी मुलाकात नहीं हुई है, जो कि शायद कुछ समय बाद होगी। पर हाँ, ये लैंड जिंगी को रखने वाले कोई और नहीं बल्कि ग्रेट मास्टर लैन है, जो जानते हैं कि लैंड जिंगी एक अच्छा बच्चा है। हाँ, वो बहुत बड़ा नहीं है बल्कि वो अभी सिर्फ 15 साल का एक छोटा सा टीनेजर है, लेकिन हाँ वो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस वाले बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और समझदार और हाँ लॉयल भी है। इसलिए वो जानते हैं कि वही मतलब लैंग जिंगी ही वांगजी और विंग के साथ रहेगा तो ही सही रहेगा। ये सब लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टेप्स ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब शायद चीज़ें सुधरेंगी। वहीं नान कुरैन का बहुत बुरा हाल है, वो गुस्से में अपने रूम में चीज़ें तोड़ रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कितनी मेहनत से जिस जगह वो पहुंचे थे 1 मिनट नहीं लगी उन किंग को फैसला लेने के लिए। कितनी पावर होती है ना एक किंग के पास, किसी के भी मेहनत पे पानी फेरने में उसे 1 मिनट नहीं लगती। और अब वो ये पावर खुद के मतलब एक तरीके से वो खुद तो इसके टाइटल के हकदार नहीं हो सकते, इसलिए वो अपनी ये कठपुतली यानी लान शिचेन के हाथ में जाते हैं। अब वो जानते हैं कि अब तक कुछ समय तक उन्होंने लान शिचेन पे जो ढील ली वो गलती करी, इसलिए वो अब गुस्से में लाल पीले होके जहाँ लान शिचेन पेन पनिशमेंट ले रहे हैं उस जगह पहुँच जाते हैं। और गुस्से में लान शिचेन पे चिल्लाते हुए बोलते हैं, देखा तुमने क्या किया, तुम्हें महसूस हुआ कि तुमने आज अपने आप को और मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। इतने टाइम से जो मैं और तुम इतनी मेहनत कर रहे थे वो सब पानी में मिला दी तुमने, तुमने देखा 1 मिनट नहीं लगी, 1 मिनट नहीं लगी किंग को हम हाथों में और मुझे एक अपनी औकात दिखाने में। मैंने तुमसे क्या बोला था, जब तक किंग बीमार है जब तक हमारे पास इतना अच्छा मौका है सारे मिनिस्टर्स को अपने कंट्रोल में करो, सारे के सारे पैसा तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ अगेंस्ट कर दिया। आज अगर अभी भी वोट पड़ता ना तो आधे मिनिस्टर तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होते, आज अगर अभी भी मौका मिलता ना तो तुम किंग नहीं बन पाते। तुम्हारे इस घमंड में, तुम्हारे इस अकड़ में और जितने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि तुम सोच नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा अपने ऊपर घमंड किया तुमने कि ये महसूस भी नहीं किया कि कितनी बुरी तरह से अपनी जड़ें कमज़ोर कर रहे हो तुम। लान कुरैन गुस्सा करते हुए लान शिचेन से बोलते हैं। अब लान शिचेन गुस्से भरी नज़रों से कुरैन की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या गलती करी है मैंने, क्या गलती करी है तुमने, क्यों क्यों तुम्हें महसूस नहीं हुआ इस जिन कमांडर की वजह से आज तुम्हारे और मेरे हाथ से कितना कुछ चला गया। तुम्हारी नाक के नीचे वो इतना सब कुछ करता रहा और तुम्हें पता भी नहीं चला, कैसे किंग हो तुम। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हारी हर बात मानी। अब तुम कान खोल के सुन लो, जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा तुम जंग मिंग्याओ के आस पास भी नहीं जाओगे। उस मिंग्याओ के चक्कर में तुमने बहुत नुकसान कर दिया है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, ये ओमेगास सिर्फ और सिर्फ हमारे पैरों की जूती होती है, पर तुमने उस जूती को सर पे रख के खुद का भी सर नीचे कर दिया और मेरा भी। तुमने देखा, उस मिंग्याओ के चक्कर में, उसे खुश करने के चक्कर में तुमने आज खुद को और मुझे कहाँ ला के खड़ा कर दिया। 1 साल से मैं तुम्हें मौका दे रहा था कि तुम खुद आप सारी चीज़ें संभाल लो, मैंने तुम्हें 1 साल में कभी नहीं टोका, मैंने तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी करी, पर तुमने क्या किया, इतनी मेहनत से मिले हुए मेरे उस टाइटल को भी मुझसे छीन लिया, क्या यही तुमने मेरे प्यार का मुझे बदला दिया। मैंने तुम्हें कितने प्यार से पाला,
तुम्हारे फादर से ज्यादा मैंने तुम्हें आर्यों को अपनाम किया। तुम्हारे फादर को तो याद भी नहीं होगा तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना पीते हो। मैं हूँ, वो मैं हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दे के मारने की कोशिश की थी, वो मैं था जिसने तुम्हें बचाया था। और अब देखो मैं तुमने क्या किया, जिस इंसान ने तुम्हें सब कुछ दिया उसका टाइटल तक तुमने उसे छीन लिया। रान कुरैन गुस्से में लांशी चैन से बोल रहे हैं, लांशी चैन से बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं रान कुरैन कि उसके फादर और मदर कभी उसे प्यार ही नहीं करते थे, उसकी मदर ने उसे मारने की कोशिश की थी। ऐसा का झूठ बोल के ही उन्होंने लांशी चैन को पूरा अपने कंट्रोल में करा हुआ है। रान कुरैन बहुत नफरत करते थे मैडम लैन से क्योंकि वो उनके उसका कारण था उसके फादर। उसके फादर को मैडम लैन बिल्कुल पसंद नहीं थी और उनके मैडम लैन से शादी करने के बाद उनके फादर इतना परेशान हो गए थे कि बीमार होकर डेथ मर गए। अपने फादर की मौत का बदला मैडम लैन से लेने के कारण ही वो लैन मैडम लैन के करीब जितने भी लोग थे उन्हें से अब मैडम लैन को मतलब दूर कर दिया। उनके पति, उनके बच्चे, उनका दूसरा बच्चा, उनके पहले बच्चे, मतलब उनके पहले बच्चे जब हुआ था लांशी चैन तभी उन्होंने ऐसा लोगों के सामने जताया कि मैडम लैन ने गुस्से में नफरत में क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस क्लैन की कोई बर्बादी मतलब एक तरह से अच्छा हो इसलिए खुद अपने बच्चे को मारने की कोशिश की थी जो कुछ सरासर झूठ था। लेकिन ये एक चीज़ कि लैंस तो कभी झूठ नहीं बोलते, इस वजह से सबने लैन को रैन की ही बात पे भरोसा किया और मैडम लैन को उनके खुद ना जाए मतलब एक तरह नवजात बच्चे से दूर कर दिया। और तब से ही मतलब किंग जो है चंगेजून वो अपनी वाइफ से नफरत करने लगे थे। उनकी वाइफ ने कई बार उनसे बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है, वो अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। लेकिन किंगेजुन ने माना नहीं, फिर भी वो कई बार किंगेजुन से माफ़ी मांगती थी, अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश करती थी। तो किंगेजुन ने उन्हें एक बार माफ़ भी कर दिया था। इन दोनों के बीच में रिश्ते सुधरने ही लगे थे और तभी जब वांगजी दोबारा उन्होंने मतलब एक्सपेक्ट किया था। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान फिर रान कुरैन ने ऐसी हरकतें करने लगे कि मैडम लैन मेंटली ठीक नहीं है, वो अपने बच्चे को फिर से मार सकती हैं, जिसके कारण चंगेजुन को बहुत दिन पहले वो एक तरीके से गुस्सा आ गया। वहीं मैडम लैन अपने आप को सेव करती थी, अपने बच्चे को सेव करती थी। जब वांगजी पैदा हुआ तो उसके बाद उन्होंने पूरी जान लगा दी कि इस बार ऐसा ना हो, इसलिए काफ़ी टाइम तक वांगजी उनके पास भी रहा था और जिसकी वजह से शिचैन और ज़्यादा वांगजी से नफरत करने लगे कि उनकी मदर उन्हें तो मारना चाहती थी लेकिन उनके भाई को प्यार करती थी। और यही कारण है कि शिचैन बचपन से ही वांगजी से नफरत करते हैं। वो वांगजी से नफरत करते हैं कि उनकी मदर सिर्फ उसे ही प्यार करती थी, उन्हें तो मारना चाहती थी। वो वांगजी को सोचते हैं कि वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन है। वो वांगजी से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने वांगजी को बचपन में बहुत बुली भी किया था। तो आज आपको सच पता चल गया सिचैन और वांगजी की नफरत का, ये भी पता चल गया कि क्यों सिचैन इस टाइप के हैं, क्योंकि बचपन से ही उनके अंकल ने उनके दिमाग में इतनी गंदगी भर दी है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ही कर दी सिचैन को। कुरैन तो ये भी भूल गए कि मैडम लैन से नफरत करते करते वो अपने भाई तक को नफरत में जला रहे हैं, अपने भाई के बिना किसी गलती के उसका परिवार तोड़ रहे हैं, उसके बच्चों को उससे दूर कर चुके हैं। लेकिन कुरैन के दिमाग पे तो बस अपने फादर की मौत का बदले की इतनी आग थी कि वो इन सब चीज़ों में को देख ही नहीं पाए और अब उनके दोनों के दिमाग में सिर्फ अवर किंग बनने की होड़ लग चुकी है। शुरुआत कहाँ सिर्फ मैडम लैन पे गुस्से किससे हुई थी और कहाँ अब इस पूरे क्लैन को बर्बादी तक ले गई है एक नफरत, रान कुरैन की नफरत। अब वही नफरत का बीज बन चुके हैं लान शिचैन, जिसके अंदर सिर्फ नफरत, घमंड, अकड़ और कुछ नहीं है। कोई अच्छे गुण शायद ही लान शिचैन में होंगे। एक ऐसा इंसान बन चुके हैं लान शिचैन यह अपने अंकल की बात सुन रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप ही मेरी दुनिया हो, आपने ही मुझे पाला है और आप ही की वजह से आज मेरे पास ये सब कुछ है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। ठीक है, अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। और ये बोल के शिचैन सर नीचे करके बैठ जाते हैं। हाँ, वो अपने अंकल को कभी नाराज़ नहीं कर सकता, दो कारण है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास अपना कोई है ही नहीं और दूसरा उसे पता है कि अगर उसे किंग बनना है तो अपने अंकल को तो अपनी साइड रखना ही पड़ेगा और आप वो अपने अंकल से को नाराज़ करके अपने किंग बनने के चांस को मिस नहीं कर सकता, समझ चुका है। क्राउन प्रिंस का टाइटल तो उसके हाथ से जा चुका है और आप करीबी एक गलती उसे नुकसान कर सकती है। लेकिन गुस्सा तो बहुत है उसे, अंकल की हर बात पर भी गुस्सा आ रहा है पर जता नहीं रहा है।
जैसे अब से ही उसकी पनिशमेंट खत्म होती है, स्टेंजा किब्सन सबके सामने वो सॉरी मांगता है। वहीं वांगजी भी विंग और मतलब वांगजी और विंग भी चंचा के साथ खड़े हुए थे। उन्हें नहीं पता कि जेचन अब सबके बीच में तो चंचा से सॉरी बोल रहा है, लेकिन अकेले में अब क्या होने वाला है। वहीं मी को लगता है कि जेचन अपनी ओमेगा से सबके बीच में सॉरी मांग रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं जेंचा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो तो इतना घबराया हुआ है कि उसे लग रहा है कि आज पता नहीं उसके साथ क्या होगा, और उसका डर सच भी हो जाता है। अगले दिन सबसे पहले से जेन जेंचा के कक्ष में ही पहुँच जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि जेंचा के कक्ष के आसपास वैसे भी कोई गार्ड नहीं है, और वैसे भी जेंचा के कोई मेट भी नहीं है। जो जेंचा के साथ होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। प्लीज़ 18+ सीन आने वाला है, आप स्किप कर दीजिए। जी 18+ सीन में हमेशा मुझे सेक्सुअल कंटेंट नहीं होता है, वायलेंस भी होता है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंचा डरा हुआ घबराया हुआ जैसे ही गेट बंद होने की वजह से अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, तो कोई भी इन आंखों में बता सकता है कितना डर है। वहीं शिचैन के चेहरे पे इतना गुस्सा है अपने कल से बैठी हुई उस पनिशमेंट से, वो इतने नफरत में है अपनी बेइज्जती की, इतने गुस्से में है कि उसे तो जैसे राक्षस अंदर आ गया हो शरीर में ऐसा लग रहा है। वो गुस्से में सबसे पहले उस पूरे के पूरे रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगाता है, और फिर धीरे धीरे शिचैन की तरफ बढ़ने लगता है। शिचैन सोच रहा है कि बिना किसी बात जंचा की तरफ बढ़ने लगता है। जंचा सोच रहा है कि बिना किसी बात के क्यों ना पहले ही माफ़ी मांग ली जाए। ऐसे वो बेचारा तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और बिना अपनी किसी गलती के मुझे माफ़ कर दीजिए कह के सर झुका के बैठ जाता है। अब शिचैन जो पहले से ही इस गुस्से में था, वो सो इस चीज़ को देख के अपना गुस्सा निकालने का मौका उठता है। वो तुरंत पास अपने कुछ सामानों में जो वो हमेशा इस कमरे में रखता है उसमें से एक हंटर निकालता है और जोर से शिचैन के पीठ पे मार देता है, और बोलता है माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगोगे तुम? इतनी गलती करने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम्हें तो इतनी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे से अपने पति के खिलाफ सोचना भी तुम्हें जहर लगे। तुम्हें क्या लगा इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? और ये बोलने के बाद शिचैन नॉन स्टॉप जेंचा को बुरी तरह से हंटर से मारने लगता है। वहीं जेंचा के लिए तो हंटर से पिटना उसकी बाकी जो वर्स्ट पनिशमेंट है उससे बेटर ही है, इसलिए वो आँख बंद करके जितना हो सके शिचैन को अपने आप को पिटने दे रहे हैं। वहीं शिचैन का गुस्सा इन चीज़ों से कहाँ रुकने वाला है, वो तो अब गुस्से में जब हंटर से मारते मारते रुक जाता है तो गुस्से में डिम चिल्ला के बोलते हैं खड़े हो सीधा। बेचारा जेंचा जिसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है फिर भी हल्का बहुत दीवार के सहारे से खड़े होने की कोशिश करते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, शरीर में दर्द है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उसकी वो आत्मा जो कहीं बहुत समय पहले उसकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी है, ये सोललेस बॉडी है जो शायद इस रूम में है और जिसके साथ शिचैन जो चाहे वो कर सकता है। यही सोच के वो बेचारा सीधा खड़ा हो जाता है। अब शिचैन उसे गुस्से में उसके कपड़े रिमूव करने के लिए बोलता है, एक एक करके बेचारा जेंचा धीरे धीरे करके अपने कपड़े रिमूव भी करने लगते हैं। जब तक उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं रहते शिचैन उसे ऑर्डर करता रहता है, और वो बेचारा बिल्कुल न्यूड शायद जैसे बर्थ लेते हैं इंसान के शरीर पर एक शरीर कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही अब शिचैन के सामने खड़ा है सर नीचे करे हुए। इस समय उसकी बॉडी के हर मार्क विजिबल है, वो मार्क जो शिचैन ने खुद अब से अपने हाथों से दिए, हंटर तलवार और पता नहीं कितने। सुन के अजीब लग रहा है ना, तलवार के वो मार्क, हाँ शिचैन इसी लेवल का गिरा हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा का गिरा हुआ है। जितना भी हो सके उतना बेचारा जेंचा कोशिश करता है कि वो शिचैन को समझाए, उसके प्यार को पाने की कोशिश करे, लेकिन जो इंसान इस टाइप की घटिया हरकत करे उसे से प्यार की उम्मीद रखना इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो शिचैन कर रहे हैं। अब वो शिचैन को मतलब सॉरी जेंचा कर रहे हैं। अब वो जेंचा को जबरदस्ती पालों से खींच के बेड पे डाल देते हैं, और वहाँ बेचारा जेंचा धड़ाम करके बेड पे गिर जाता है। अब शिचैन बिना मौका गवाए अपनी जो उसके पास उसकी तलवार है उसके हैंडल को उसके प्राइवेट पार्ट में एंटर कर देते हैं, जिससे जेंचा की चीख निकल जाती है। इसी तरीके से कभी भी कुछ भी उसकी प्राइवेट पार्ट में एंटर कर देता है शिचैन अपने गुस्से और नफरत में, और वो जेंचा को बोलता है क्यों बहुत आग है ना तुम्हारे शरीर में, इसी को पूरा करने बाहर गए थे ना तुम, क्यों यही चाहिए था ना तुम्हें, और ये कह के उसके साथ ऐसे ही ब्रूटली ये सब करने लगता है। जेंचा के प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी आने लगा,
लेकिन जो है शिचैन को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वहीं अब थोड़े टाइम में जब वो सेटिस्फाई हो जाता है जंचा की चीखे सुन सुन के उसके कानों को आराम मिल जाता है, तब वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसे ऐसे ही बिल्कुल बेहाल हाल में छोड़ के उसकी पूरी पीठ से खून आ रहा है, उसके पूरे शरीर से खून आ रहा है, उसके साथ बाद में जो साइकिल उसने सेक्स किया उसकी वजह से उसके हाथ पैरों पर जो कट करा, दांतों से काटा, उससे की वजह से उसकी पूरी बॉडी पे खून है। वो ऐसे लाइफलेस पड़ा है, पर उसे पता है वो मर भी नहीं पा रहा है। अगर वो लकी होता तो अब तक मर भी जाता। इतने साल से, 1 साल से वो ये सब सह रहा है लेकिन उसे मौत भी नहीं आती। वहीं जंचा जब से ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ घंटे बाद उसे होश आता है तो खुद को उठाता है, खुद से बैंडेज करता है, खुद के कपड़े पहनता है और अपने आप को उस बेड पे केक को हम पे डाल के नॉन स्टॉप रोता रहता है। यही सोचता है कि क्या गलती कर दी उस बेचारे ने, कहाँ है उसकी गलती, हर चीज़ तो वो कर चुका है, प्यार से, गुस्से से, मना रूठ के, हर तरीके से सचैन के प्यार को पाने की कोशिश कर चुका है, उसकी इस पनिशमेंट से बचने की कोशिश कर चुका है। लेकिन अब तो उसके अंदर की सब होप ख़त्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ लाइफलेस बॉडी जो ऐसे ही पड़ी हुई है। वो कब बेहोश हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है इस टाइप की घटिया हरकतें करने वालों को क्या सज़ा देनी चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक पेनफुल चैप्टर है इसमें आते आए मतलब आज था, आपके से मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगी लेकिन ये जरूर बताना ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइप की हरकतें लोगों के साथ होती हैं और ऐसे हैवानियत को लोग सहते भी हैं। जो लोग सहते हैं उनके दिल की शायद स्थिति तो मैं कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। ये वो पेन तो बेचारे खुद भी शायद कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। अब मैं तो एक छोटी सी राइटर हूँ, कहाँ मुझ में इतनी हिम्मत उन बेचारों के पेन को मैं उस लेवल का एक्सप्लेन कर सकूँ। पर आप इस टाइप के जो हरकतें करते हैं उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।